لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين غر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن ایک صلوات پڑھ لیں محمد ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ خیر النساء صاحبہ بنت ولایت حسین خان صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب صلوات پڑھ لے محمد عزان محترم سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ کا یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا اور اس چھوٹے سے ٹکڑے میں پروردگار عالم نے اسلام کی بنیادی پالیسی کو سمو دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ مرد جو اکتساب کرے گا وہ اس کا حصہ ہے اور تشریف لائیں علیکم السلام علیکم السلام ایک صلوات پڑھ لے محمد مرد جو اکتساب کرے گا وہ اس کا حصہ ہے اور عورت جو اکتساب کرے گی وہ اس کا حصہ ہے. مرد کے اکتساب سے عورت کو کچھ نہیں دیا جائے گا, عورت کے اکتساب سے مرد کو کچھ نہیں دیا جائے گا. بہت طویل مضمون ہے, اس میں کچھ گزارشات بھی ہیں اور میں کم لفظوں میں عہدہ برا ہونا چاہوں گا تاکہ کم وقت میں آپ سے زیادہ باتیں کر سکوں اور اسٹینڈرڈ ٹائم جو مجلس کا ہے اسی میں اپنی بات مکمل کر لوں. اسلام نے جب اپنی تبلیغ شروع کی تو اس وقت تین نظریات پہلے سے موجود تھے.
तीन मज़हब, तीन नज़रियात। एक कदीम मज़हब था जो कई शक्लें बदल बदल के आ गया था, वो था कुफ्र का मज़हब, जो अहद नूह से शुरू हुआ था और रसालत माब के अहद तक आ गया था। ये इसकी तवील तारीख है। दूसरा नज़रिया यहूदियों का था जो उसके बाद वजूद में आया, हालांकि वो भी दीन इस्लाम था मगर शक्ल बदल के वो दीन से नज़रिया बन गया। मैं शायद लफ्ज़े नहीं पहुंचा पाया, बात तो लफ्ज़ों ही में होगी और लफ्ज़ों की तशरीह का मेरे पास वक्त नहीं है। तीसरा नज़रिया ईसाइयों का था, वो भी दीन इस्लाम ही था मगर उसे बदल के नज़रिया बना दिया गया। समाज में अब वो नज़रिया हो गया, वो दीन इस्लाम नहीं रहा। वो कदीम दीन इस्लाम जो कुफ्र से, ईसाइयत से, यहूदियत से भी पहले था, जिसे वो इस्लाम के जिसे आदम लेके आए थे, वही इस्लाम रसूल लेकर के आए और अपनी शरीयत के साथ उन्होंने इस्लाम बना के पेश किया। मैं तवज्जो है, अपनी शरीयत के साथ इसे इस्लाम बना के पेश किया। तो तीन नज़रियात मद्दे मुकाबिल पहले से थे, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, पहले से तीन नज़रियात थे। काफिरों का नज़रिया, उसका नज़रिया ये था कि औरतों को पैदा ही होने का हक नहीं है, जीने का ही हक नहीं है। यह कुफार का नज़रिया था कि इसे वजूद ही नहीं चाहिए, और अगर इसका वजूद है भी हमारे समाज में तो इसे अपने एतबार से हम ज़रूरत के तहत रखेंगे, इसे कोई हैसियत और वक़्त नहीं देंगे। तवज्जो है, इसीलिए बेटी की शक्ल में पैदा होती थी तो उसे जिंदा दफन कर देते थे और लूट के लाते थे तो घर में रखते थे। बात पहुंच रही है। दूसरा नज़रिया था यहूदियों का नज़रिया, उनका नज़रिया बुनियादी यह है कि औरत कितनी भी नेक हो जाए, अच्छी जगह रख दी जाएगी, जन्नत के लायक नहीं। तीसरा नज़रिया ईसाइयों का नज़रिया था, उनका नहीं, औरत मोहतरम तो है मगर सिर्फ इस शक्ल में मोहतरम है कि जब वो तरके दुनिया कर दे और मिसले मरियम हो जाए, शबीह मरियम हो जाए। अब उन्होंने शबीह मरियम का अपना नज़रिया और अपना फ़लसफ़ा रखा है, इसके लिए मैं सिर्फ लफ्ज़ ही पढ़ता चला जाऊँगा, वजाहत का मेरे पास वक्त नहीं होगा। वो शबीह मरियम हो जाए, तवज्जो है आपकी, और वो आपको आज भी समाज में नंस के नाम से मिल जाएंगी। उन्होंने उनसे तर्क दुनिया कराई, यानी तर्क दुनिया यानी ना वो किसी की बेटी बन के रह सकती, ना किसी की जौजा बन सकती, ना किसी की माँ बन सकती। माबत के हवाले कर दें, लिबास पहने तो मखसूस तरीक़े का, खाना खाएं तो मखसूस तरीक़े का, ना उन्हें खाने में आज़ादी, ना लिबास में आज़ादी, ना जीने में आज़ादी, तर्क दुनिया करें। अब मैं जुमला समेट रहा हूँ, काफिरों ने जिंदगी छीनी, यहूदियों ने जन्नत छीनी, ईसाइयों ने दुनिया छीनी। इस्लाम अपना नज़रिया लेके आया, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो मर्द अमल करेगा, जितना अमल करेगा उसकी जजा वो पाएगा, औरत जितना अमल करेगी उसकी जजा औरत पाएगी। जैसे मर्द अजीम हो सकता है वैसे ही औरत अजीम हो सकती है। अब अगर तुमने औरत से जन्नत छीनी है यहूदियों, तो हम औरत ही को खातून जन्नत बनाएंगे। अगर तुमने यहूदियों जन्नत छीनी है तो हम औरत ही को खातून जन्नत बनाएंगे, और अगर ईसाइयों तुमने औरत को तर्क दुनिया पे मजबूर किया है तब वो अजीम होगी। हम ऐसी अजीम औरत पेश करेंगे जो बेटी बनेगी तो सबसे अच्छी बेटी, जौजा बनेगी तो सबसे अच्छी जौजा।
इस्लाम ने कहा नहीं, हमारा फलसफा ये है, हमारा फलसफा ये है कि औरत अपने इक्तिसाब से, देखिए इक्तिसाब है हुसूल नहीं है, हुसूल भी अरबी का लफ्ज है, हुसूल नहीं कहा है इक्तिसाब कहा है। अब इसे मैं उर्दू में कैसे समझा दूं कम लफ्जों में, हुसूल तो किसी भी तरह हो जाता है, इक्तिसाब कमाई को कहते हैं। नहीं बात पहुंचा सका, हुसूल के तो बहुत से तरीके हैं मगर इक्तिसाब कमाई को कहते हैं। हुसूल तो बेमेहनत के भी हो जाता है, कमाई बगैर मेहनत के नहीं होती है। कल रजाज नसीब बट का वो हिस्सा है कि जो वो इक्तिसाब करे, अर्न करे, और औरत का वो हिस्सा है कि जो वो इक्तिसाब करे, अर्न करे। इस समाज को अब यहां से कुछ पैगाम जरूरी है, इस समाज को इस नई तहजीब ने हाईजैक करना शुरू कर दिया है, और कर रहे हाईजैक करना शुरू कर दिया है, और उनकी पॉलिसी 100 साल 200 साल पुरानी होती है। 100 साल पहले वो 100 साल बाद की प्लानिंग करते हैं। आज यहूदी तैयारी कर रहा है अपने आका की आमद की, दज्जाल की आमद की, और उनके लिए वो मुकदमात तय कर रहा है, रास्ते हमवार कर रहा है। वो अपने आका की तैयारी कर रहे हैं, हमको भी सोचना है कि हम अपने आका की आमद की कितनी तैयारी कर रहे हैं। और कर रहे हैं ज़ाहिर है कि ये है तो नुक्ता ही, मगर उतना मज़ेदार नहीं है ना। इसका अंदाज़ा हम लोगों को पहले से होता है कि हम कौन सा नुक्ता पढ़ने जा रहे हैं या कौन सा जुमला, और उसमें मज़ा कितना है, क्योंकि जुमलों के मसालों से हम लोग वाकिफ़ होते हैं। तो उसे मसाला कितना पड़ा है उतना ही ज़ायका आएगा। एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले, थोड़ा बेदार होइए। दज्जाल आएगा आपका अकीदा है कि नहीं है, है आपका अकीदा कि नहीं है, पहले बता दे है कि नहीं है। दज्जाल आएगा आपका अकीदा है, दज्जाल आएगा तभी इमाम भी आएंगे, आपका ही अकीदा है। वो अपने आका के लिए तो अहतमाम में लगे हुए हैं, तो या तो आप अपने अकीदे से दज्जाल को निकाल दीजिए, और अगर आप भी अपने अकीदे में दज्जाल को रखे हैं तो आप पर भी लाजिम है कि अपने इमाम इमाम की आमद के लिए मुकदमात तैयार कीजिए। वो कितना एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, थोड़ी सी गुफ्तगू आपको मेरे लहजे और मेरे अल्फाज में सुननी पड़ेगी, फिर मैं फजाइल पे आ जाऊँ, गुफ्तगू तमाम कर दूँ। उनकी तारीख, उनका तरीका, पहले से प्लानिंग करते हैं। हमारा तरीका जब बिल्कुल पड़ जाती है तब सोचते हैं क्या करना है। और करें आप, वो ज़हन इंसानी को मजबूर कर देते हैं। किस तरह? उन्होंने मिसाल दे रहा हूँ, वो मिसाल जो नौजवानों ही के ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी, बुज़ुर्ग के भी काम आ जाएगी। उन्होंने देखा कि इंसान की अहम ज़रूरत क्या है, उन्होंने देखा कि भाई इंसान की ज़रूरत एक दूसरे से करीब तर होना है आसान तरीके से, तो उनका मोबाइल ईजाद करो, मसलन एक दूसरे से करीब तर हो जाए आसान तरीके से। अब उन्होंने मोबाइल ईजाद कर लिया, देखिए मजबूर किस तरह करते हैं, उनका ऐसा ही मोबाइल ईजाद करो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को फुलफ़िल करे, पूरा करे, ठीक है। अब उन्होंने मसलन एप्पल एक मोबाइल लॉन्च कर दिया, अब आप मजबूर हो गए, एप्पल की आदत पड़ी, उसकी आसानी आपने महसूस की, अपने पास रख लिया, अब आप मजबूर हो गए। चार्जर होगा तो एप्पल ही का होगा,
दूसरा चार्जर आप यूज़ नहीं कर सकते। बैटरी होगी तो एप्पल ही की होगी, दूसरी बैटरी यूज़ नहीं कर सकते। उससे मुतालिक और जितने भी आलात होंगे वो एप्पल ही के होंगे, आप दूसरे का कंपनी का या दूसरा प्रोडक्ट आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते। अब आप पूरी तरह उनकी गिरफ्त में हैं, और करें अब आप पूरी तरह उनकी गिरफ्त में हैं। अब आप सोचेंगे नहीं इससे जान छोड़ो, एप्पल में क्या रखा है, तो उसने उसके अंदर कुछ ऐसे ऐप्स की सहूलत रखी है जो दूसरों के पास नहीं है, लिहाजा आप फिर पलट के एप्पल की तरफ आएंगे। उनकी मार्केटिंग का यही तरीका है कि वो जहन को, इंसान के जरूरतों को, इंसान के अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं ताकि इंसान उससे निकलने ना पाए। उन्होंने समाज के लिए पॉलिसी बनाई कि इन्हें जरा दूर करो दीन से, दीनदारी से इन्हें दूर करो। भाई दूर कैसे करें? इसका एक तरीका है इनका समाज तोड़ दो। समाज कहाँ पनपता है? समाज घर में पनपता है। अब मैं यहाँ जरा ठहरूंगा, ये बात जो मैं पढ़ रहा हूँ वो रन्नों की नहीं पढ़ रहा हूँ, सैदनपुर की भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये बात मैं पढ़ रहा हूँ मेट्रो सिटीज की। मगर हमारे देहात के लोग, अल्लाह इन देहातों को अपनी पुरानी कदीम तहजीब पर कायम व जिंदा रखे, ये जब शहर में जाते हैं अपनी ज़रूरतों के तहत और जब पलट के आते हैं तो शहर की तहजीबी बीमारियां लेके आते हैं। बात पहुंच रही है, शहर की तहजीबी बीमारियां लेके आते हैं और इस तरह से फिर देहात का माहौल, इसका कल्चर, इसकी तहजीब परागंदा होने लगती है। इसे रोकिए, सख्ती से रोकिए, सख्ती से रोकिए। शहरों में सोसाइटीज होती हैं मगर सोसाइटी में किसी को कोई बालादस्ती हासिल नहीं होती। गांव देहात में बुजुर्गों को बालादस्ती हासिल थी। बात पहुंच रही है, अब ये बालादस्तियां खत्म की जा रही हैं। क्यों? अरे वही कौन होते हैं, वही सरपंच क्यों, वही बुजुर्ग क्यों, वो मेरे बेटे को क्यों टोकेंगे? ये बीमारियां शहरों की हैं जो देहातों में लाई जा रही हैं। इसलिए कदीम तहजीब में आइए, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, देखिए उन्होंने ये देखा कि एक घर ही के अंदर, एक मुत्तहिद घर के अंदर वो तहजीब जन्म लेती है, मुत्तहिद घर के अंदर वो तहजीब जन्म लेती है जो इन्हें अपने मजहब से करीब रखती है। तो उन्होंने कहा मजहब पे हमला ना करो, इनको इनके घर के इत्तेहाद से दूर कर दो। ऐसा कैसे किया जाए? पूरा यूरोप मुलव्विस हो चुका है। मैं गुफ्तगू, मैं यूरोप नहीं गया हूँ, दूसरे मालिक गया हूँ, मैं गुफ्तगू आपके हिंदुस्तान के मेट्रो सिटीज से कर रहा हूँ और मैं खुद मुशाहिद हूँ उन बातों का जिसे मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। एक घर है जिसमें 6 नफर रहते हैं, घर की तहजीब, एक घर है जिसमें 6 नफर रहते हैं, 6 अफराद रहते हैं, घर के 2 बुजुर्ग, उनके 2 बेटे और उनके 2 पोते। समझ गया रिश्ता? 2 बुजुर्ग घर में रहते हैं, उनके 2 बेटे घर में रहते हैं और उनके 2 पोते घर में रहते हैं। 6 आदमी का ये घर है। का पहले इस घर को जरूरतों में उलझाओ। टीवी नहीं चलेगी क्योंकि वो 8,000 का आ रहा है, LCD चलेगी जो 46,000 का आता है, मोबाइल 10,000 का नहीं चलेगा, एप्पल चलेगा। मिसाल तो ले ली थी, मुझे दाम अभी भी नहीं मालूम एप्पल का क्या है क्योंकि मैंने उसकी जरूरतें देखी, खरीदा नहीं है ना किसी को खरीदते देखा, शायद वो भी 50-60 हज़ार का आता है। ठीक है, ठीक है, प्लानिंग देखिए और अब मेरे साथ वहां तक चलेंगे, मैं लेके चलूंगा आपको। 8,000 के टीवी को हटाया
46,000 के LCD पे लगा दिया, 10,000 के मोबाइल से हटाया। हालांकि हम लोग तो 500 बल्कि 500 रुपए जोड़ा के मोबाइल वाले थे, हाँ हाँ, जो चटाई पर रख करके बेचते रहते हैं। मगर ऐसा ज़माने ने मजबूर किया कि टिकट हो तो इसमें हो, समझा अपने मोबाइल में हो, और जहाज़ का सारा वो निज़ाम हो तो मोबाइल में हो, कि मजबूर होना पड़ा कि एक मोबाइल दिखाने के लिए रखना ही पड़ा, मजबूर किया गया। मोबाइल 10,000 का नहीं, 50,000 का चाहिए। और कर रहे हैं आप, जिंदगी को लग्जोरियस बनाया गया। तवज्जो है भाई, ये इतना खुश्क मजमून हो गया है फिक्र वाला कि पंखे की ज़रूरत है, लिहाजा उसे जनरेटर चलवा लीजिए। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, आप मुतवज्जे हैं, घबरा तो नहीं गए। तो उन्होंने इस 6 नफर के घर को बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, इस 6 नफर के बहुत तवज्जो, एक लफ्ज भी ज़ाया मत कीजिएगा, 6 नफर के घर को, कि जो आराम से 20,000-25,000 की आमदनी में खुशहाल जिंदगी शहर में गुजार रहा था, उसे मजबूर कर दिया चंद लग्जूरियस आइटम्स को जिंदगी की जरूरत बना के। अब वो 20,000 में पूरा होने वाला नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर जहन में डाला, ये अकेली कमाई से नहीं होगा, एक काम करो कि अपनी बीवी को भी कमाई पे लगाओ, लिहाजा दोनों कमाओगे तो तुम्हारा घर चलेगा। इसलिए उस एक घर से उस नौजवान मर्द को भी निकाला, ऑफिस में भेज दिया, उस नौजवान औरत को भी निकाला, ऑफिस में भेज दिया। अब घर के अंदर 4 बूढ़े 4 लोग, 2 बूढ़े और 2 पोते रह गए। उन्होंने फिर ये कहा, भाई ये कैसे जिएंगे? क्यों? उन्होंने ये देखा कि इन 2 बूढ़ों के हाथ में ये जो 2 पोते पल रहे हैं, ये वही तहजीब ले रहे हैं जो पुरानी तहजीब है। बूढ़ों को भी इस घर से निकालना चाहिए, इनकी परवरिश कैसे होगी, इनकी निगहदाश्त कैसे होगी, बीवी भी कमा रही है, तुम भी कमा रहे हो, लिहाजा इन दोनों बूढ़ों को, दोनों माँ बाप बूढ़ों को ओल्ड हॉस्टल भेज दो। तवज्जो है, ओल्ड हॉस्टल भेज दो। ये दोनों माँ बाप ओल्ड हॉस्टल पहुंच गए, अब घर में बचे 2 बच्चे। अब इन 2 बच्चों को 5 साल के 4 साल के 2 साल के 1 साल के 6 महीने के, भाई इन्हें कौन पालेगा? तो इसके लिए इन्हें बेबी सीटर्स के यहाँ भेज दो, पेप्ट स्कूल में भेज दो। तो बच्चे पेप्ट स्कूल में चले गए, माँ बाप बूढ़े बूढ़ी चले गए ओल्ड हॉस्टल में, और वो 2 नौजवान मियां बीवी चले गए ऑफिसों में। घर वीरान हो गया के नहीं? बहुत बड़ी बात थी जिसको आपने महसूस किया कि नहीं, मैं समझ नहीं पाया। घर वीरान हो गया, घर आबाद कितनी देर के लिए होता है? रात के 8 घंटे के लिए। तो जो है घर आबाद होता है 8 घंटे के लिए। बच्चे पेप से लिए जाते हैं, बेबी सीटर से लिए जाते हैं, घर में रखे जाते हैं, सुबह होती है फिर पहुंचा दिए जाते हैं। घर फिर वीरान हो गया, घर वीरान हो गया, तहजीबें मर गई, दीन मुर्दा हो गया, तवज्जो है, इबादतें गारत हो गई, अब कहीं कुछ नहीं है। अब उन्होंने कहा इन बेबी सीटर्स को तवज्जो है ट्रेन किया जाए। कैसे ट्रेन किया जाए? अब मेरा एक सवाल, गुफ्तगू अगले मरहले में आ गई, ये बताइए कि क्या पूरे इस्लामी निजाम में बेबी सीटर्स की ट्रेनिंग का कोई स्कूल है? बात पहुंच रही है? पूरे इस्लामी निजाम में जहां जहां भी है बेबी सीटर्स के लिए कोई तालीमी निजाम है? नहीं है। शियों में छोड़िए, मैं इस्लामी दुनिया की बात कर रहा हूं, शिया तो बहुत पीछे चलने के आदी है। और कर रहे हैं आप, मिंबरों पे हलक फाड़ते हुए हम लोग थक गए 60 साल से, मगर शिया अभी भी सबसे पीछे चलने के आदि हैं। सबसे बाद में कोई छोटा सा काम करेंगे, खुश इतना होंगे जैसे यूनिवर्सिटी खोल ली, खुश इतना होंगे कि जैसे यूनिवर्सिटी खोल।
बोलनी छोटे सितारे पे। बहरहाल इन्हें खुश होना भी चाहिए, मगर मैं जमाने के हालात से आशना कराना चाहता हूँ। तो बेबी सीटर्स होती कहाँ है, इनकी ट्रेनिंग के लिए या यहूदियों के पास निजाम है या ईसाइयों के पास निजाम है? तवज्जो है। तो यहूदी स्कूलों में, ईसाई स्कूलों में जो ट्रेनिंग पा रही हैं वो बेबी सीटर्स पा रही हैं। तो माँ बाप गए ओल्ड हॉस्टल में, वहाँ पुरानी तहजीब घुट के मर जाएगी। नौजवान माँ बाप जो थे बच्चों के, वो चले गए अपने अपने ऑफिसों में, ऑफिस के कल्चर में इतना खर्क कर दिए गए, 12-12 और 8-8 घंटे की ड्यूटी में ना उन्हें नमाज याद रही, ना इबादत याद रही, ना मजलिस याद रहा, ना मातम याद रहा, ना मिलना याद रहा, ना जुलना याद रहा। बच्चे कहाँ चले गए? बेबी सीटर्स के यहाँ, जिनकी माए, जिन बच्चों की तरबियत करने वाली माए या यहूदी हैं या ईसाई हैं, तो याद रखिएगा कि यहूदी और ईसाई आगोश में पलने वाले मुसलमान बच्चे यजीद बना करते हैं। इसलिए बहुत बेदार होने की जरूरत है। औरतों को दूसरा दर्जा मत दीजिए, जमाना बदल चुका है। आपको जमाने के साथ साथ ही आना पड़ेगा, आपको इस जंग में शरीक होना होगा। तो जमाने की रफ्तार से रफ्तार मिला के ही आप इससे जंग कर सकते हैं। और उसका एक ही तरीका है, शायद ये बात मैं कम लफ्ज़ों में पहुंचा दूं, तशरी मत मानिएगा, कि अपने घर की औरतों को दूसरा दर्जा मत दीजिए। दूसरे दर्जे का शहरी नहीं आ पाएंगे साथ, और खुल जाऊं मैं, दूसरे दर्जे का शहरी ही हमने बना के रखा है। अभी 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत तरीन हुए हैं कि जब औरतों की तालीम का निज़ाम हमारे यहाँ पनपा, वरना औरतों को पढ़ाना मायूब था हमारे इसी समाज में। लड़के पढ़ाए जाएंगे, लड़कियाँ नहीं पढ़ाई जाएंगी। तरबियत कहाँ होनी है? माओ की आगोश में। पढ़ाया जाएगा बेटा, समाज बैलेंस कैसे होगा? देखिए आप घबरा गए हैं, बहुत घबरा गए। पढ़ाए जाएंगे लड़के, लड़के पढ़ाए जाएंगे, लड़कियां पढ़ाई नहीं जाएंगी। और परवरिश किसे करना है? लड़कियों को करना है। लड़कियां ही माएं बनेंगी, उन्हीं को परवरिश करना है। नतीजा ये है कि उन लड़कियों के पास, तवज्जो है, उन बनने वालों वाली माओं के पास कोई एजुकेशनल टारगेट होता ही नहीं है। और करें आप, उनके पास कोई एजुकेशनल टारगेट नहीं होता। वो चच्चा बाबा से पूछती हैं क्या करें, लड़के को मदरसे भेज दें? किस मदरसे भेज दें? मकतब में भेजें, स्कूल में भेजें, पाठशाला में भेजें? उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी तालीम कहाँ होती है। और करें आप, इसलिए औरतों को दूसरा दर्जा मत दीजिए, उन पर फोकस कीजिए, ताकि आपका समाज मजबूत हो। और करें आप, देखिए गुफ्तगू का अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है और मैं सारी तमहीद को ही रोक रहा हूँ और अपने अगले मरहले में आना चाहता हूँ कि औरतों को दूसरा दर्जा मत दीजिए, क्योंकि ये समाजी स्ट्रक्चर कामयाबी से चलेगा तभी जब औरतों की भी बेहतर तालीम व तरबियत हो और मर्दों की भी बेहतर तालीम व तरबियत हो। तो जो है एक बैलेंस समाज हो तभी हर महाज पर आप कामयाब होंगे। औरतों को पसे पुस डाल करके समाज को आगे बढ़ाने का उसलूब इस्लामी नहीं है। लफ्ज़े पहुंच रही हैं मेरे भाई?
औरतों को पसे पुश डाल के इस्लाम चलाने का, दीन चलाने का उसलूब या समाज चलाने का उसलूब इस्लामी नहीं है। मैं कहां से आपको बहुत जल्दी से करीब ले आऊं, रसूल ने तबलीग बाद में शुरू की है, खदीजा जैसी मजबूत शहजादी पहले उनकी हयात में आई है। मैं जुमला पहुंचना चाहिए, रसूल ने तबलीग बाद में शुरू की है और खदीजा जैसी मजबूत शहजादी पहले उनकी हयात में आई है। मैं जुमला पहुंचना चाहिए, यही वजह थी कि जब किसी ने रसूल को टोका, किसी ने रसूल को टोका ये कह के कि क्या आप बार बार उसी बूढ़ी औरत को याद किया करते हैं, अल्लाह ने बेहतर औरतें आपको अता की है या मेरी जैसी औरत आपको अता की है, तो रसूल ने कहा खबरदार खदीजा का जिक्र आज के बाद ऐसे न करना, इसलिए कि जब सारी दुनिया इनकार कर रही थी खदीजा ने ईमान का ऐलान किया। इसका जरा तहलील नफसी करें, रिवायत सुना दी मैंने आपको, आप मेरे साथ आ गए, मगर थोड़ा हमारे अंदाज में तहलील नफसी करें इसकी, और करें आप यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस। हमारी बीवी हमसे अच्छा जाकिर किसी को नहीं समझती जबकि वो बिल्कुल गलती पर है। हमें इतना साफ बोलने के लिए भी कलेजा चाहिए। मैं माइक पे मीडिया बोल रहा हूँ, हमसे अच्छा जाकिर किसी को नहीं समझती जबकि वो इंतहाई गलती पर है, है? सबसे ही नाकारा जाकिर जो है हम हैं तमाम जाकिरों के दरमियान, मगर समझती है, इसलिए समझती है कि मेरी बीवी है। ठीक है, तो जनाब खदीजा ने सबसे पहले ऐलान कर दिया ईमान का, तो खास बात क्या थी? अगर जनाब खदीजा ने इकलौती ज़ौजा थी, है ना, तो इकलौती का लुत्फ तो आना चाहिए, इकलौती ज़ौजा थी उस वक्त, 24 साल तक तकरीबन इकलौती ज़ौजा रही। लानत है ऐसी तारीख हदीस पर कि जो खातून 24 साल रही रसूल के साथ उससे 24 हदीसें ना ली। तारीख हदीस पर लानत है ऐसी तारीख हदीस पर कि जो खातून 24 साल रही है और जिंदगी के सख्त इस्लामी दौर में अकेले साथ रही, 10 बरस मक्का का सख्तरीन इस्लामी दौर, उससे 24 हदीस ना ली, और जिन्हें जिंदगी के ठीक से 24 महीने नसीब नहीं हुए उनसे 50,000 हदीसें कहां से आ गई? रसूल सारी जिंदगी, आप समझ महसूस कर रहे हैं ना कि मैं मजमून कहां से पेश कर रहा हूं, खैरुन निसा बिनते विलायत हुसैन पर पढ़ रहा हूं मजलिस, इसे जहन में रखिए, इसी को मैंने इस सब्जेक्ट को जरा मुख्तलिफ कर दिया है, अब शायद बात और आसान हो जाए हमारे सामेईन के लिए। अजीजों, तो क्या खास बात थी? और रसूल फख्र से तमाम अजवाज के सामने कहते थे, बल्कि रसूल की ज़िंदगी का यह तरीका था कि रसूल जब हुजरे से सहन में आते थे, आसमान को देखते थे तो कहते थे हाय खदीजा। हुजरा रसूल का लाइन से बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 बीच में सहन है, गांव देहात में आज भी ऐसे ही मकान बनते हैं। रसूल हुजरे से निकलते थे किसी भी जोजा के,
आसमान को देखते थे, कहते थे हाय खदीजा। जाहिर सब सुनते थे, तभी चिढ़ गई भाई, एक दिन हो तो बर्दाश्त हो जाए, दो दिन हो तो बर्दाश्त हो जाए। और करना मगर ये रसूल सरकार ये कौन सा तरीका है? माना बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। मुश्किल तो यही है कि जिसे याद करते थे तारीख ने उसे चहीती दोजा नहीं लिखा। अलमिया यार सुना, ये कौन सा तरीका है याद करने का? जुमला दे रहा हूँ साहिबान इल्म को, और जुमला पहुंचना चाहिए, फिर मैं कहूंगा कि वजाहतों का वक्त है ही नहीं जुमलों के। याद करने का उसूल ये है, याद करने की नफ्सियात ये है कि जब वो चीज नजर आए जो महबूब की हो तो उसकी याद आती है, या फिर जब तन्हाई आदमी महसूस करे तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन खां मोमिन का ऐसा मारकतुल आरा शेर है जिस पर गालिब ने अपने को फिदा कर दिया था, है ना। अब इस शेर पर नहीं पढ़ूंगा, बड़ा नफसियाती शेर है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये भी याद करने का तरीका, जब तरह होता है तो अपना महबूब तरीन शख्स, महबूब तरीन चीज, महबूब तरीन जात याद आती है। मगर ऐसा भी नहीं सरकार, आप तन्हाई में भी नहीं याद कर रहे हैं। का इसलिए तन्हाई में नहीं याद करता कि गवाह कौन बनेगा? हाय हाय, इसलिए हुजरे से निकलते हैं तो हम याद करते हैं हाय खदीजा। मगर मेरे सरकार, अब जुमला कीमती जुमला दे रहा हूं, अपनी जिंदगी का कीमती जुमला दे रहा हूं, मगर मेरे सरकार ये आप आसमान की तरफ देख के क्यों कहते हैं हाय खदीजा? रसूल आवाज देंगे, तुम जिसे आसमान समझते हो हम उसे खदीजा की जात का किनाया समझते हैं। तुम जिसे आसमान समझते हो, जज़ाकअल्लाह, तुम जिसे आसमान तुम जिसे आसमान समझते हो हम उसे जाते खदीजा का किनाया समझते हैं, यानी जिस तरह आसमान सारी जमीन को ढाके हुए नजर आता है उसी तरह खदीजा पूरे इस्लाम पे साया फेंकती। रसूल्ला आप बार बार क्यों याद करते? रसूल ने क्या कहा? फिर मैं उसे जुमले पलट रहा हूं, खबरदार आज के बाद खदीजा का जिक्र इस तरह करना, वो मुझ पे उस वक्त इस्लाम ले आई, उस वक्त ईमान ले आई, उस वक्त ऐलान ईमान किया, कलमा पढ़ा, जबकि दुनिया हमारी मुखालिफत कर रही थी। फिर मैं आऊंगा, क्या खास बात थी? जौजा थी, मसला ये नहीं है। अब जुमला सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि औरत को दूसरे दर्जे का शहरी ना बनाओ। कोई खास बात तो ऐसे नहीं है कि वो बीवी है कहेंगी कि आप सबसे बड़े आदमी हैं, आप नबी हैं, ये मसला ये नहीं है। पहले जनाब खदीजा ने, मैं जुमला पहुंचना चाहिए, पहले जनाब खदीजा ने बेहतरीन तिजारत करके और अहले अरब को मजबूर तिजारत करके और उनके जरिया तिजारत करा के पहले अरब के जहनों को अपना महकूम बना लिया, उसके बाद कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं जुमला पूरी कुव्वत से पहुंचा नहीं सका, हर वो महकूम ज़हन खदीजा के ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पे सोचने पे मजबूर हुआ कि वो औरत
जो अपनी बर्तरी और बुजुर्गी का लोहा मनवाए हुए थी वो इनका कलमा क्यों पढ़ने लगी। कुछ तो है मुस्तफा में, कुछ तो है मोहम्मद में, तवज्जो है, फिर जुमला पहुंचना चाहिए, कुछ तो है मोहम्मद में कि जिस बीबी ने रोम और अरब के बड़े बड़े सरदारों और शहजादों को ठुकरा दिया, यतीम अब्दुल्ला को अपना रिश्ता खुद को दे दिया, कुछ तो है। इसलिए रसूल ने कहा कि जब दुनिया मेरा इनकार कर रही थी उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया। अब समझ में आया, औरत को अगर कमाल दिया जाए उसके हुदूद शराई के साथ, और कर रहे हैं अय्याम कुफ्र में भी, मैं सिर्फ लफ्ज ही दे दूंगा, वजाहत का वक्त नहीं था क्योंकि ये सब जुमले नहीं, पूरी पूरी किताब है। अय्याम कुफ्र में भी, जमाने जाहिलियत में भी जनाब खदीजा इतना ज्यादा मुहतात जिंदगी गुजारती थी कि वो समाज जो औरतों की तजलील करता था खदीजा को ताहरा पुकारता था। क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, जो है एक सलवात पढ़े मोहम्मद। बस अजीजों, गुफ्तगू यहीं से समेट रहा, इस्लाम ने औरत को लपेट के पसे पुश्त नहीं डाला। 13 साल की जिंदगी में, इस्लाम की उस 13 साल की जिंदगी में जनाब खदीजा का अहम तरीन रोल रहा, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। वक्त नहीं है, सरे हरम काबे के सहन में जनाब खदीजा ने अपना दरबार लगा के मुस्तफ़ा पर जुल्म करने वालों को सामने खड़ा करा लिया। अब वाकया पढ़ते रहिएगा, मैंने सिर्फ इशारा दे दिया। यह है घर के बाहर की एक्टिविटी। और जब रसूल मदीना हिजरत करके आए तो आपको जनाब जहरा मैदान उहद में भी नजर आएंगी। मैदान उहद पढ़ रहा हूं, आपको जनाब जहरा मैदान खंदक में भी नजर आएंगी, मगर जो हुदूद शराई है, इसलिए कि मासूम आलम जात का नाम नहीं किरदार का नाम है। गौर कर रहे हैं आप, पसे पुश्त इस्लाम ने औरत को डाला नहीं। कहीं से भी इस फलसफे को समझिए और अपने कल्चर को डेवलप कीजिए। जब इस्लाम तमाम महाज से कामयाब हो गया तो एक महाज ऐसा था कि जहां परवरदिगार आलम ने बाकायदा औरत को नुमाइंदा बना दिया और कहा, या रसूलल्लाह आप इन लोगों से कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। या रसूलल्लाह औरत को मैदान में ले जाने की क्या जरूरत है, पसे पुश्त डालिए, आप लोग जाके निपट लीजिए। होता तो यही है ना। अच्छा, अगर जनाब जहरा न ले जाई जाती तो क्या उनमें हिम्मत थी कि मुबाहला कर लेते? इस तरह भी सोच लेते हैं कि अगर जनाब जहरा न जाती मुबाहले में, अल्लाह ने उन्हें न भेजा होता, तो क्या रसूलुल्लाह मौलाए कायनात और इमाम हसनैन कमजोर पड़ जाते? सोचिए, डरिए मत, बोलिए, आपका दिल क्या कह रहा बोलिए। अगर जनाब जहरा को अल्लाह ना भेजता, मैं तहलील रफ्सी कर रहा हूं मंजर की, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह इमामान हसनैन मौलाए कायनात के साथ अपनी सच्चाई साबित न कर पाते?
क्या इन चार आदमी की लानत कमजोर पड़ जाती? ऐसा नहीं है। मर्द की नुमाइंदगी है चार नफ्सों के साथ, चार अफराद के साथ। औरत की नुमाइंदगी है एक फर्द के साथ। अल्लाह ने औरत को शामिल ही इसीलिए किया कि औरत को पसे पुर डाल के जिंदगी न गुजारना, औरत को साथ लेके महाजे हयात पे चले आना। क्या सुन रहे हैं? बात पहुंच रही है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं शायद आपको वहां तक नहीं ले आ पाया जहां से मैं सोच रहा था। है? फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं। आपने बहुत डर के सुना मेरा जुमला, बहुत डर के सुना मेरा जुमला, और फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं कि अगर जनाबे जहरा ना आई होती तो भी अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह मैदान मुबाहला हारते नहीं। और कर रहे हैं आप, लेकिन अगर औरत को मुबाहला में शामिल नहीं किया गया होता, फिर पहला तमहीद का जुमला मेरे जहन में आपके जहन में है ना, जाता बात शुरू की थी, तो ईसाई यही कहते कि इस्लाम ने भी औरत को मकाम नहीं दिया है। چند جملے فضائل کے سن لیجئے، ربط مصائب گفتگو تمام۔ رسول کسے لے کے جائیں؟ عورتیں تو گھر میں بھری پڑی ہیں۔ اچھا، اسلام نے عورت ہی مانگی ہے؟ دیکھیں اس میں تین لفظیں ہیں، ایک تو ابنانا و ابناکم ہے، ابن رشتہ ہے، تیسرا انفسنا و انفسکم ہے، نفس، نفس جو ہے وہ سمبولک رشتہ ہے، ایک علامتی رشتہ ہے نا۔ نفس اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے، نفس کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے، ہے نا، جس سے کوئی رشتہ نہ ہو وہ بھی نفس ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سمبولک ورڈ ہے، علامتی لفظ ہے۔ درمیان میں ہے نساء، اس میں نہ بیٹی کہا، نہ نواسی کہا، نہ پوتی کہا، نہ بیوی کہا، جتنے رشتے ہیں نہ خالہ نہ پھوپھی نہ ممانی، کوئی نہیں۔ اس میں ایک لفظ رکھا وہ ہے کامن جینڈر کا، ہے نا، کامن ورڈ، لفظ عمومی رکھا، نساء، عورت۔ جب عورت کہہ دیا تو اس میں بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، زوجہ بھی ہے، کنیز بھی ہے، بیوی بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، خالہ بھی ہے، ممانی بھی ہے، چچی بھی ہے، بھیڑ ہے۔ رسول کسے لے جائیں؟ اب میرا کہاں تک جملہ کامیاب ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ بھائی نساء کہاں ہے؟ پالنے والے تو نے تو کہا نسانا و نساکم، ہمیں نساء لے جانا ہے تو کسے لے جاؤں؟ کسے لے جاؤں؟ رسول نے سوچا ہاں اسے لے جائے جو نساء میں خیر النساء ہو۔ میں اسی لے جائیں کہ جو خیر النساء ہو، خیر النساء ہو، اور اس طرح بھی خیر النساء ہو کہ ہر رشتے کو کمال
रही हो, हर रिश्ते को कमाल से पूरा कर रही हो, मरकज में रखी जाए, आगे जो चले उससे उसका रिश्ता बेटी का हो, पीछे जो चले उससे उसका रिश्ता जौजा का हो, साथ में जो चले उनसे रिश्ता माँ का हो। सहरा अकेली है मगर पूरे वजूद निसा को मुकम्मल कर रही है। अकेली सहरा तीन तरह की नुमाइंदगी कर रही है। अच्छी बेटी की भी नुमाइंदगी हो रही है, बाप साथ है, पूछ लो अच्छी बेटी है कि नहीं। अच्छी जौजा की भी नुमाइंदगी हो रही है, शौहर साथ है। अच्छी माँ की भी नुमाइंदगी हो रही है, हसनैन साथ है। और इस तरह मरकज में जहरा और मकाम मुबाहला में, लीजिए वक्त पूरा होने को आ गया, जहरा दरमियान में, आगे रसूल पीछे मौलाए कायनात, दरमियान में जहरा, या रसूल अल्लाह जुलशीरा में अली आगे, जहां से इस्लाम चल रहा है, जाओ सबको दावत दे के आओ, जाओ पतीला लेके आओ, जाओ गोश्त का इंतजाम करो, शबे हिजरत अली आगे हैं, मेरे बिस्तर पे सो जाओ जहां 40 आदमी देख रहे हैं तलवार लिए हुए। बद्र में अली आगे, जीत ली गई बद्र। उहद में अली आगे, जीत ली गई उहद। खैबर में अली आगे, फतह हुई तो अली के ही हाथ हुई। हुनैन में अली आगे, जातु सलासिल में अली आगे, सारी जंगे अली की तलवार की बदौलत जीती गई। जुमला रह गया ना करना चीजों, मुबाहला है तारीख इस्लाम का सबसे आखिरी मारेका। भाई तवज्जो है, तारीख इस्लाम का, भाई जुमला रायगा ना करना, तारीख इस्लाम का सबसे आखिरी मारेका है, सबसे आखिरी मारेका है मुबाहला। हर मारेके में अली आगे रहे, बाद खैबर खंदक हुनैन सब में अली आगे रहे, अली फतह करते रहे, अली फाते रहे, अपनी तलवार का लोहा मनवाते रहे। या रसूल अल्लाह मुबाहले में पीछे क्यों कर दिया? कहा इसलिए पीछे लेके जा रहा हूं, दुनिया ये ना कहे अली को आगे करके डरा के मुबाहला। तलवार का धनी आदमी है अली, तलवार के धनी है। जब कहीं मुकाबला होता है तो कमजोर आदमी कवी ही को आगे आगे रखता है, है? जब उससे बात कीजिए तो कहता है पहले इनसे बतिया लीजिए तब हम बतियाएंगे। बतावज्जो है, वो कवी को आगे इसीलिए रखता है। अली ने कहा, रसूल ने कहा नहीं, जो सबसे कवी हमारा नफ्स है उसे हम पीछे रखेंगे, और जो सबसे कमजोर फर्द मेरे घर की हुसैन है उसे आगे रखेंगे। आपको लफ्ज़ कमजोर फर्द पसंद नहीं आया? हुसैन उस वक्त इतने छोटे थे कि आगोश में थे, और उन्हें आगोश में रख के रसूल चले गोद में लेके, तो आगे कौन नजर आ रहा जो गोद में है? तवज्जो है, देखिए अब ये गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हुसैन को रसूल ने आगोश में सबसे आगे रख के ही मुबाहला जीत ली। इस जाविये से भी जुमला पहुंचना चाहिए, रख के ही मुबाहला जीत ली। क्यों?
अगर दो सांड यहां लड़ने लगे सड़क पे, तो घर के बच्चे समेट लिए जाते है कि नहीं है? और अगर कोई बाहर निकलना चाहे तो बड़े से कहे तो पहले देख लो सांड सब चले गए कि नहीं चले गए, तब बच्चों को आगे दिया जाता है, भेजा जाता है ना? यही तो उसूल है नफ्सियात का। क्यों? इसलिए कि मकाम में खतर में आदमी खुद तो कूद जाता है, बच्चों को नहीं कूदने देता। ये जुमला मैं शायद पहुंचा नहीं पाया था। खतरे की जगह इंसान खुद तो आगे चला जाता है, बच्चे को नहीं जाने देता। बरसात का दिन है, पानी बह रहा है, आप बच्चे की उंगली पकड़े हुए हैं तो पहले बच्चे को पानी में नहीं उतारते, बच्चे को पीछे करते हैं, अपना पैर आगे करते हैं, उसमें डाल के देखते हैं गहराई तो नहीं है, उसके बाद बच्चे को ले जाते हैं। मकाम खतर में बच्चों को पीछे रखा जाता है। और लानत मकाम अजाब का नाम है। झूठों पे लानत भेजनी थी रसूल हुसैन को आगे रख के अपनी सच्चाई का सबूत दे रहे हैं। तवज्जो बस अजीजों, यही गुफ्तगु तमाम कर दी मैंने, रोक ली अपनी गुफ्तगु। खाली मुबाहले के लिए 3 घंटे चाहिए। रसूल मुबाहले के लिए निकले तो भी औरत की नुमाइंदगी रखी, अल्लाह के हुक्म से रखी। और हुसैन जब करबला के लिए निकले तो भी बहुत से लोग कह रहे थे इब्ने अब्बास जैसे, मोहम्मद हनफिया जैसे, आका आप जाएं मगर औरतों को साथ में ले जाए, मगर औरतों को साथ न ले जाए। मगर रसूल के नवासे ने अपने साथ औरतों का एक मोहतम बिशान काफिला रखा और हर एक की नफसियात ने और हर एक की अमली कारकर्दगी ने हुसैन को और हुसैन के मिशन को तकवियत पहुँचाई। यहाँ से फिर एक किताब खुल रही है। अगर महसूस करें तो सिर्फ 2 जुमले में एक बात अर्ज कर दूँ। लफ्ज़ उम्मुल मोमिनीन बड़ा कीमती जुमला है, वजाहत का वक्त नहीं। लफ्ज़ उम्मुल मोमिनीन, ज़ाते उम्मुल मोमिनीन, शख्सियत और हैसियत उम्मुल मोमिनीन सदर इस्लाम में जानी पहचानी जाती थी। इसी का फ़ायदा उठा के तलहा और ज़ुबैर ने एक पूरी जंग खड़ी कर दी। किस बुनियाद पर? लफ्ज़ उम्मुल मोमिनीन की बुनियाद। हुसैन के साथ भी एक उम्मुल मोमिनीन है और अहले बैत पर जान देने वाली उम्मुल मोमिनीन है जनाब उम्मे सलमा। जनाब उम्मे सलमा लाई ही गई थी इस शर्त पर कि आपको मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, जनाब जहरा का ख्याल रखना। और उस वक्त से लेके मदीने की उस जिंदगी से लेके और सन 60 हिजरी तक, बल्कि उसके बाद तक, जनाब उम्मे सलमा अहले बैत रसूल से वाबस्ता रही। और जाने कितने अजीमुशान लोगों की परवरिश की, मगर रसूल जनाब उम्मुल मोमिनीन मामा में हुसैन जनाब उम्मुल मोमिनीन को लेके मैदान करबला नहीं आए। आ सकते थे। उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन थी, उन्हें भी लेकर के नहीं आए। किसे लेके आए? जनाब ज़ैनब को। मालूम है क्यों? वजाहत नहीं करूँगा, लफ्ज़ दे रहा हूँ, सोचते रहना। और उसी मकाम से गुफ्तगू कर रहा हूँ जहाँ से मेरी पूरी तमहीद से गुफ्तगू यहाँ तक आई। जनाब उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा थी, इमाम हुसैन नहीं लाए। जनाब उम्मुल बनीन थी, इमाम हुसैन नहीं लाए।
امام حسین اپنے ساتھ لائے تو جناب زینب کو صرف اس لیے کہ نہ ام المومنین عالمہ غیر معلمہ تھی، نہ ام البنین عالمہ غیر معلمہ تھی، جناب زینب عالمہ غیر معلمہ تھی، اور حسین کو ایک عالمہ خاتون چاہیے تھی تاکہ مقصد کربلا کو آگے بڑھائے، اس لیے جناب زینب کو لے کے آئے. امام حسین کے ساتھ بھئی یہی سے مصائب. اب سنیے مصائب کے لہجے میں، اپنی دلیل مکمل کر چکا ہوں. جناب رباب بھی ہیں، جناب لیلہ بھی ہیں، جناب شہربانو کا انتقال چوتھے امام کی ولادت کے 20ویں دن ہو چکا تھا. شہربانو کربلا میں موجود نہیں تھی، اگر کوئی روایت ایسی پڑھتا ہے تو مومل ہے. دو ازواج جناب لیلہ، جناب ام رباب، یہ بھی ساتھ ہیں. جناب ام کلثوم ہیں، جناب فروا ہیں، ایک قافلہ ہے. سب نے اپنے اپنے معیار سے مقصد کربلا کی حفاظت کی اور مقصد کربلا کو آگے بڑھایا. عزادارو، بہت سارے اقدام ہوتے ہیں پہچاننا. یہیں سے مصائب پڑھوں گا کہ جہاں بیوی ہی زنجیر بن جاتی ہے، گھر کے اپنے اپنے گھر کو سوچتے رہو، میں تو جملے پڑھ رہا ہوں. جہاں اقدام خیر ہوتے ہیں، اقدام خیر ہوتے ہیں، جہاں بیوی ہی زنجیر بن جاتی ہے. مگر خدا کی قسم، کربلا کی بیویوں نے اپنے اپنے شوہروں کو ہمت دی، اپنے اپنے شوہروں کو تقویت پہنچائی. اگر اصحاب کی بیویاں ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں، مجھے طلاق نہ دو، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے ساتھ لے کے چلو، میں شہید کی بیوہ پکاری جانا پسند کروں گا. انصار کی بیویاں بھی ہیں تو وہ یہی کہہ رہی ہیں، نہیں مجھے ساتھ لے کے چلو کربلا، میں ایک شہید کی بیوہ بننا پسند کروں گی، مجھے چھوڑو نہیں، نہ مجھے طلاق دو. حسین کے ساتھ جو بیبیاں ہیں وہ حسین کو ہمت دے رہی ہیں، وہ حسین کو قوت دے رہی ہیں، وہ حسین کو طاقت دے رہی ہیں. عزادارو، پتہ نہیں میں اپنی بات کیسے جلدی سے پہنچا کے اپنی گفتگو تمام کر سکوں، وقت مکمل ہو چکا ہے بالکل. جناب رباب، ان کی آغوش میں ایک بچہ ہے جو اب 6 مہینے پورا کر رہا ہے. اب مصائب کی طرح سن لو، لے کے چلی تھی تو 17 دن کا تھا، اب آج 6 مہینے تقریباً پورا کر رہا ہے، اور وہ بچہ اتنا پیاسا ہے اور اتنا بھوکا ہے کہ اس نے شب عاشور اس طرح رات گزاری ہے کہ ماں کرتا ہٹا کے پسلیوں کو دیکھتی تھی کہ اگر پسلیاں چل رہی ہیں تو اصغر زندہ. جھولے کے ایک کونے میں علی اصغر سمٹے ہوئے ہیں اور ممتا جھولا جھلا رہی ہے، اور اصغر کی پسلیوں کو دیکھ کے محسوس کر رہی ہے کہ میرا اصغر زندہ ہے، جس نے رات اس طرح گزاری ہو اس کا دن کتنا سخت گزرا ہوگا. مگر جیسے ہی حسین نے آواز دی، حل من ناصرین ینصرنا، حل من معینین یعیننا، حل من مغیثین یغیثنا، اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں. حاضر دارو، یہ ننھا سا اصغر مگر اتنا سمجھدار ہے کہ میں اپنے بابا کو متوجہ کیسے کر سکتا ہوں. اگر میں روؤں گا رونے کا اثر نہیں ہوگا،
पुकारूंगा तो पुकारने का असर नहीं होगा। क्यों असर नहीं होगा? इसलिए कि हुसैन यक्काव मैदान जंग में है और तमाम बीबियां खेमों के दरवाजों पे खड़ी है। जनाबे ज़ैनब अब तक दो बार मकामे करबला तक होके आ चुकी है, तो सब मुतवज्जे है खेमे की तरफ, दरख मैदान की तरफ, दर खेमा पर। हम मुतवज्जे कैसे करें? तो पुकार नहीं सकते थे, कोई फायदा नहीं होता। असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया, बीबियां सिमट के आ गई। असगर क्या नारा! अब कोहराम बरपा हुआ, अब बीबियों ने रोना शुरू किया। हुसैन मुतवज्जे हो गए, खैमे की तरफ आए। आने के बाद कहा, बहन अभी हुसैन जिंदा है, ये तुम्हारे दरमियान आहुफुगा कैसी है? का भैया असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया, शायद मैं वो बात पहुंचा सकूं जहां से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। कल बहन मैं उसे पानी पिला के लाऊं। इमाम ने असगर को अपनी आगोश में लिया। किस बुनियाद पर? पानी पिलाने ले जा रहे हैं। बाजार दौर भाई यही मेरा मसायब है। सुबह से अब तक हुसैन ने अगर नौनिहालों को भी भेजा है तो मरने की इजाज़त दे के भेजा है, नौजवानों को भी भेजा है तो मरने की इजाज़त दे के भेजा है, जवानों को भेजा है तो भी मरने की इजाज़त दे के। यानी अगर कासिम जैसा नौनिहाल गया है तो भी मरने की इजाज़त लेके गया है, और मोहम्मद जैसे जवान गए हैं तो भी मरने की इजाज़त लेके गए हैं, अब्बास जैसा जवान गया है तो भी मरने की इजाज़त ही लेके गया है। तवज्जो है जी तो। मगर जनाब असगर को हुसैन मरने के लिए नहीं, पानी पिलाने के नाम पर लेके आए हैं। मैदान करबला में वहाँ माँ इंतज़ार में बैठी है कि मेरा लाल जिंदा होके आएगा, पानी पी के आएगा, ताकत लेके आएगा। मगर अब जो हुसैन खैमे में दाखिल हुए तो आबा का दामन किए हुए दाखिल हुए, सर झुकाए हुए दाखिल हुए। जनाबे रबाब आगे बढ़ी, रबाब लो अपने लाल को ले जाओ। रबाब ने जो अपने लाल को देखा, जबान पर शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, एक ही जुमला, या बुनैया मिसलों का युनहर, मेरे वालियों वारिस कोई शर्मिंदगी नहीं। क्या ऐसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं? मेरे वालियों वारिस मेरा असगर नहीं मारा। अल्लाह أيمن قلب ينقلب وإنا لله وإنا إليه راجعون। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिम सलाम का वास्ता, इस मजलिस अज़ा को कबूल फरमा। मरहुमा को जवार मासूमा में जगह इनायत फरमा। मुतालिकीन को सब्र जमील अता फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ भी हैं उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हाजात दुनियावी और उखरवी को पूरा फरमा। पालने वाले अय्याम अज़ा करीब है और दुनिया के तमाम ज़ालिमीन मुस्तैद हो चुके हैं। पालने वाले अज़ादारों को आज़ादारी का मौका फराहम फरमा। ज़ालिमान दुनिया को नस्त नाबूद फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के मोइन मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम्द और तीन बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा खैरुन्निसा साहबा बिनते विलायत हुसैन साहब की रूह को ईसा अलैहिस्सलाम।